आप सबों को मैं नमस्कार करता हूं। ये पगले दिन की सभा में इस इलाका में मैंने सुना कि यहां पर पहली बार इस प्रकार की एक सभा आयोजन किया गया है। भाइयों ने बहुत मेहनत करके आसपास के गांवों में और शहर के अंदर लोगों को सूचना देके इस मैदान में एक चार दिन की सभा के लिए आयोजन किए हैं। उन्होंने बहुत प्रार्थना किया और मेहनत किया, घर घर जाके लोगों को बुलाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। चंदवा के आसपास के सारे भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद करता हूं, उनके ऊपर आशीष रहने पाए। इस मीटिंग का मकसद क्या है करके आप और हम अच्छी तरह से समझना है, इसलिए मैं पहले दिन से लेकर लगातार आपके बीच में खास बातों को रखने के लिए चाहता हूं। अभी हम लोगों ने एक गीत को गाया, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम सुंदर नाम, और साथ ही साथ हमने गीत गाया, हे परमेश्वर का आत्मा हमें यीशु के पास ले जाओ। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुनते ही लोगों के अंदर एक घबराहट पैदा होता है, या कभी कभी ये चाहते हैं क्यों आप लोग यीशु 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 करके पुकारते हैं, क्या उस नाम में सामर्थ है, क्या उस नाम में कुछ शक्ति है, क्या हमारे पास और नाम नहीं है, क्या और देवी देवता नहीं है, क्या और नाम नहीं है कि हम जिससे द्वारा परमेश्वर की आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते, अगर क्या दूसरा नाम नहीं है कि जिसके द्वारा हमको पाप से क्षमा हो सकता है, आप केवल यीशु 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 भक्ति क्यों? मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, वचन के रूप में या अनुभव के रूप में या और दुनिया की कई बातों को आपके सामने पेश करके क्यों हम इस यीशु के नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए चाहते हैं। इस यीशु के नाम आपके लिए क्या कर सकता है, इस यीशु के नाम को लेने के लिए क्या जरूरत है, इस नए यीशु के नाम के अंतर्गत में आने से आपके लिए आपके परिवार के लिए क्या है, इस बात को मैं संक्षेप में आज आपके सामने पेश करने के लिए मैं चाहता हूं। बाइबल बतलाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 पद को कोई मेहरबानी से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21 पद को मेहरबानी से कोई पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी, एक कुंवारी पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। फिर से उस वचन को पढ़िएगा, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश करें। चाहे आप मसीह हो या गैर मसीह हो, चाहे आप अन्य धर्म को मानने वाला भी क्यों हो, मेरे आवाज को दूर में से सुनने वाला क्यों हो, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करें। बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा, वह पुत्र जनेगी, एक कुंवारी पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। एक व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा जानकारी रखने वाला दुनिया की कई बातों का जानने वाला मुझसे एक प्रश्न पूछ बैठा। उसने कहा, भाई साहब आप तो यीशु मसीह के बारे में दुनिया को सुनाते हैं, गांव गली में शहर में सुनाते हैं, परंतु हमें यह बतलाइएगा आपके परमेश्वर के वचन में जो बाइबल कहलाते हैं, संसार को ईश्वर ने किस साथ सृष्टि किया जरूर लिखा है। अगर आपके बाइबल धर्मशास्त्र की बातों को हम ऐसे ही मान लेंगे, आपके बाइबल धर्मशास्त्र के पहले पन्ना में ही यह लिखा है, जितनी ताराओं को हम देखते हैं, सूरज और चंद्रमा को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं और मछली और जानवरों को देखते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, इस सारी सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से बनाया। उसने कहा, हो जाए
हो गया, मछली हो जाए हो गया, चिड़िया बन जाए बन गया। फिर मनुष्य को बनाने के बाद भी जब आपके बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर यह पाया जाता है मनुष्य ने पाप किया, पाप को क्षमा करने के लिए भी उसको एक वचन बोलने से क्या काफी नहीं था? हां, क्षमा हो जा, क्षमा हो जाता। मनुष्य को क्षमा करने के लिए क्या ईश्वर के पास ताकत नहीं है क्या? जो ईश्वर ने ताराओं को बनाया, जो ईश्वर ने करोड़ों करोड़ ताराओं को बनाया, जिसको अपने अपने रास्ता में जाने की ताकत दी। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में 10 गाड़ी बढ़ जाने से 2 गाड़ी लड़ जाती है। इतना इतना एक्सीडेंट रोज, हर एक दिन आदमी की मृत्यु होते हुए हम सुनते हैं। लेकिन करोड़ों करोड़ तारों का अपने जगह पर रखा, अपने गति के अनुसार रखा, अपने रफ्तार में वे चलते भी रहते हैं तो भी एक दूसरे से टकराते नहीं है। इतना संभालने वाला परमेश्वर, जब मनुष्य ने पाप किया, क्या उसकी पाप की क्षमा को एक वचन के द्वारा नहीं कर सकता था? सही है, सही प्रश्न है। क्या परमेश्वर को मनुष्य के रूप में धारण करके धन संसार में आने की जरूरत है? वह भी प्रभु यीशु मसीह न केवल मनुष्य बन के आया परंतु क्रूस की मृत्यु को अपनाया क्यों? क्या मरना जरूरी है, खून बहाना जरूरी है? वो भी एक दर्दनाक मृत्यु को अपनाने का आवश्यकता है क्या? मुझे समझाइए तब मैं मानने के लिए तैयार हूं। प्यारों, शायद आप में से कुछ लोग इसकी बातों को जब सुनेंगे आपका दिमाग उलट सकता है, गुम सकता है, क्योंकि आपको भी ऐसा प्रश्न शायद दिल की गहराई में होता होगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मैं इस संध्या के वक्त में आपके लिए प्रार्थना करने के पहले, आपको प्रार्थना में ले जाने के पहले, आपके जीवन की बातों को आपको समझाने के लिए चाहते हैं, जिससे आप अवगत हो जाएं और आपके परिवार के लिए, अपने व्यक्ति के जीवन के लिए आशीष को प्राप्त करेंगे, योग्य बर्तन हो जाएं। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। क्या ईश्वर को इस संसार में आके खून बहाके मृत्यु में जाके और मरने का जरूरत है? मुसलमान भाई लोगों से अगर पूछिएगा, वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परंतु वे नबी के रूप में उनको मानते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ इस पर विश्वास करते हैं। वे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था, वचन देहधारी हुआ, उसके में विश्वास करते हैं। इसलिए वे कलामतुल्ला कहके यीशु का नाम दिए हैं। कलाम मतलब वचन, वचन देहधारी हुआ, इसलिए कलामतुल्ला कहते हैं। मुसलमान भाई लोगों से अगर आप पूछेंगे, बाइबल के अंतर्गत में जितनी अद्भुत काम लिखा गया है यीशु के बारे में, उससे बढ़कर ज्यादा बोलेंगे। वे कहेंगे जब प्रभु यीशु छोटा था, बच्चों के साथ मिट्टी के लेके कुछ बना रहा था, एक चिड़िया बना रहा था, चिड़िया में जीवन आया, उड़ने लगा, इस प्रकार के चमत्कार के ऊपर भी विश्वास करते हैं। कुरान शरीफ में इस बात को हम पढ़ते हैं, यीशु ही ऐसा एक भविष्यद्वक्ता है जिसने चमत्कारों को लोगों के लिए किया। इस कुरान शरीफ को पढ़ने के चलते ही पाकिस्तान में एक ऊंचे कोटि की परिवार की एक लड़की जो बचपन से लंगड़ी हो चुकी थी, जिसको चलने का ताकत नहीं रहा, जिसको लोग चक्का लगाए हुए कुर्सी पर लेके ही रखते थे, जिसने कभी यीशु मसीह के लोगों से मुलाकात नहीं की, कभी प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखा नहीं, कभी यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी नहीं है, वो कुरान शरीफ में ही देखी थी यीशु अद्भुत काम करता है, मुर्दों को जिंदा किया है, अंधों को आंख दी है, लंगड़े को चलने का ताकत दिया है। जब वो कुरान शरीफ में पढ़ने लगी और वो कुरान शरीफ में ही देखने लगी यीशु जिंदा भी है, क्योंकि कुरान ये नहीं बतलाती है यीशु मर गया, कुरान बतलाती है यीशु जिंदा है। लेकिन केवल एक ही बात पर विश्वास नहीं करते हैं,
एक ही बात पर विश्वास करते नहीं है, यीशु की मृत्यु हुई, यीशु क्रूस पर मारा गया, वो विश्वास नहीं करते हैं। वे विश्वास करते हैं यीशु उठा लिया गया, एक दिन आएगा संसार को न्याय करेगा, इस पर विश्वास करते हैं। वो भी यरूशलेम में आएगा, जैतून पहाड़ पर आएगा, इस पर भी विश्वास करते हैं। जब वो पढ़ने लगी कुरान शरीफ को, वो गुलशन नाम करके वो बहन जो बहुत बड़े घर की थी, राजनीतिक खेलने वाले के परिवार की थी, लेकिन चलने की ताकत नहीं रखी, और उसका बाप ने लंदन में ले गया ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता है, और मक्का मदीना सब जगह में ले गया, कुछ नहीं हो सका, यरूशलेम में जाके बलिदान चढ़ाया, कुछ नहीं हो सका। घर में आके पड़ी हुई थी, उसके लिए तीन तीन नौकरानियां जो सेवा टहल कर रही थी। जब एक दिन कुरान पढ़ रही थी, उसने देखा यीशु जिंदा, अभी भी जिंदा है, एक दिन आएगा। यीशु ने जब पृथ्वी पर रहते हुए बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किया है, मेरे जीवन में क्यों नहीं कर सकता करके, अपनी दुआ करने के समय, नमाज पढ़ने के समय वो कहने लगी, यीशु अगर तू जिंदा है मुझे भी चंगा करना, मुझे भी चंगा करना। यीशु ने उसको दर्शन दिया, उसको छूया, उसको खड़ा किया। आज भी वो इंग्लैंड में रहती हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देती है और अपना नाम को यस्तर गुलशन बनाकर रखी है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का मतलब यही है, मुसलमान भाई लोग विश्वास करते हैं लेकिन यीशु के मृत्यु के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। क्या यीशु का मरना जरूरी है? क्या यीशु को खून बहाना जरूरी है? क्या यीशु को क्रूस पर मरना ही दरकार है? आपके अंदर भी ये प्रश्न होता होगा, क्यों 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 भैया, क्यों बहन, क्यों? प्रभु यीशु संसार में जब थे उन दिनों में भी और आज भी, आजकल भी, अगर किसी को मृत्यु दंड मिलता है तो उसको कैसा दंड दिया जाता है, मैं आपको बतलाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेपाल देश में अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाएगा, एक काम करते थे, उस आदमी के साथ एक मरा हुआ लाश को बांध लेते थे, पूरा बांध लेते थे, और ये आदमी जिसको मृत्यु दंड मिला है वो उसको लिए चलेगा, उस लाश सड़ेगा, महकेगा, दुर्गंध निकलेगा, उसमें से कीड़ाएं निकल के इसके कान नाक सब में चढ़ेगा, उसी में घृणित होते 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 खाना नहीं खाएगा, मर जाता था। अगर तिब्बत में आप जाएंगे, तिब्बत में कुछ लोग इस प्रकार करते थे, एक प्रकार का कीड़ा होता है, उसको एक गड्ढा खोद के उस आदमी को उसमें डाल देते थे, उस कीड़ाओं को भी डाल देते थे, ये कीड़ा उनका पूरा पूरा खून चूसने वाला, खून चूसते रहता था, जब तक इस आदमी में खून रहेगा तब तक ही कीड़ा है, उसके खून को चूस के मोटा हो जाता था। कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद ये मृत्यु इस व्यक्ति को हो जाता था। साधु सुंदर सिंह नाम करके एक पंजाबी जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया एक अजीब दवस से, क्योंकि यीशु ने उसको दर्शन दिया, वह आत्महत्या करने पर था, पंजाब मेल के सामने अपने सिर को डाल के कटवाने के लिए सौंपने वाला था, यीशु ने उसको दर्शन देके मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूं करके प्रकट किया, उसने यीशु को ग्रहण किया। एक वक्त में वही व्यक्ति यीशु मसीह का बाइबल को जलाया था, लेकिन यीशु को ग्रहण किया दर्शन पाके, फिर यीशु मसीह का सुसमाचार को लेके विश्व भर में गया, वो तिब्बत में भी गया था, उसको मुआने के लिए वहां के लोगों ने इस प्रकार के मृत्यु दंड दिए थे, लेकिन प्रभु ने उसको वहां से बचाया। तिब्बत के एक और मृत्यु दंड के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, ज्यादा दिन के पहले की बात नहीं, कुछ सालों के पहले ही इस प्रकार करते थे। अगर आप तिब्बत में जाएंगे, वहां एक प्रकार का बाइंस पाया जाता है जिसको याक कहते हैं, वो याक बाइंस को अगर लोग इस्तेमाल करते हैं अपना सामान धोने के लिए पहाड़ पर, और उसका चमड़ा का खूब यही है,
अगर उसका चमड़ा निकालिएगा वो जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। करतार सिंह नाम करके एक व्यक्ति जो पंजाब का था, उसको यीशु मसीह के बारे में जानकारी हुई, उसने भी यीशु को ग्रहण किया। उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया तिब्बत जाने के लिए। तिब्बत में जाकर उसने यीशु मसीह के बारे में सुनाने के लिए जब गया, कहां जाके जब प्रचार किया, वहां का लामा उसको दंड दिए थे, मृत्यु दंड। उसको क्या किया गया था, उस याक बाइंस के काल में उसको रख के बांध के एक चट्टान पर जहां ज्यादा धूप लगता था वहां पर रख देते थे। वो चमड़ा जल्दी सूखते 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 उसको हड्डी को तोड़ता है और तोड़ के खत्म करता है। इस प्रकार के मृत्यु दंड तिब्बत में पाया जाता था। भाई बहन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहूदियों के बीच की बात को समझने के लिए कोशिश करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना है उसके ऊपर लोग पत्थरवा करके मार देते थे, कुत्ता की नहीं, क्योंकि उनके व्यवस्था में यह लिखा गया था, अगर कोई गुनहगार हो, कोई पापी हो, कोई व्यभिचारी हो, कोई अपने मां बाप की बातों का नहीं मानने वाला हो, कोई समाज की विरोधी हो, उसके ऊपर पत्थरवा करके मार दो। पूरे लोग आएंगे और उसको बीच में खड़ा करके पत्थर से मार के खत्म करेंगे। अगर आप अरब देश में जाएंगे वहां पर लोग उसको सिर काट देते थे, मृत्यु दंड आज भी अरब देशों में सिर काटने के द्वारा दिया जाता है। मैं जर्मन गया हुआ था, जर्मनी में बर्लिन नाम करके आज जर्मनी का जो राजधानी है वहां पर एक एग्जीबिशन रखा गया है। अगर वहां जाके देखेंगे हिटलर ने लाखों लोगों के खास करके यहूदी लोगों को उस प्रकार के मिशन में सिर काटने के लिए रखा था, उस मिशन को मैंने देखा। अगर आप किसी अन्य देश में जाते हैं, उदाहरण में जर्मनी में मृत्यु दंड किया जा कैसा दिया जाता था, इतिहास में आप पढ़ेंगे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था, उसके एक मजबूत तेज से दौड़ने वाला घोड़ा को ले आएंगे और उसको शराब पिलाएंगे, रम पिलाएंगे, रम इतना पिलाएंगे वो अपने होश में नहीं रहेगा, वो घोड़ा जो है दिव्यता के साथ, तेज के साथ, रफ्तार के साथ दौड़ सकता है। उस हालत में जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना है उसको दोनों पांव को उसके पीछे दोनों पांव में बांध लेते थे, फिर उस घोड़ा को छोड़ देते थे ऐसी जगह में जहां उक्कड़ खपड़ का पत्थर है, जहां कांटियां हैं, वहां पर वो व्यक्ति को वो घोड़ा जहां मन करता वहां दौड़ेगा, क्योंकि शराब पिया हुआ है, रम पिया हुआ है, इसलिए इधर उधर दौड़ेगा, उसका शरीर पूरा चराया जाएगा, उसका शरीर का मांस निकला जाएगा, उसका हड्डी दिखाई पड़ने लगेगा, वाह वाह करते मर जाएगा। यह जर्मन देश में पाया जाता था। अगर आप बाइबल के अंदर में दानियल नबी की किताब को पढ़ेंगे, वहां पर मेदिय पर्शिया जो आज ईरान कहा जाता है, उस देश की दंड के बारे में दिया गया है। क्या करते थे, वहां जलते हुए चूड़ा में लोगों को जिंदा डाल देते थे ताकि वो खत्म हो जाएं, या भूखे रहने वाले सिंहों के सामने उन गुफाओं में जिंदे लोग डाल देते थे। इसी को रोम सरकार भी अपनाया, उनके लिए खेल तमाशा था, भूखे सिंहों को एक ऐसा जगह में ले आएंगे और जो व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना है उसको उसके बीच में डाल देते, वो भूखे सिंह उनका फाड़ के खाते हुए लोग देखते थे, ताली बजाते थे। भाई बहन मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, रोमी सरकार के समय में नीरो नाम करके एक व्यक्ति था, उसने प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक जिसका नाम यूहन्ना, उसको उबलता हुआ तेल में डालने के लिए कहा था, लेकिन प्रभु यीशु का चेला मरा तो नहीं, लेकिन उस प्रकार का दंड दिया जाता था। अगर किसी को मृत्यु दंड देना है उस प्रकार कर देते थे। मैं ईरान में जाके देखा था किस प्रकार का दंड लोगों को मिलता था, मैंने ईरान देश में जाके देखा।
मैं दो महीना के पहले इंडोनेशिया गया था। इंडोनेशिया के लोगों का मृत्यु दंड देने का आदत किस प्रकार है मालूम है? वहां भी भयानक रूप में लोगों को देते थे। क्या अगर कोई खनी कुंवारी गर्भवती पाई जाएगी गुप्त पाप के चलते, उसके एक छोटा सा नाव में रखे और उसको समुद्र में जहां लहर उड़ता है, जहां पर चट्टान पाया जाता है, वहां विदा करते थे। ये चट्टान में जाके इस लहरों के तेजी से उस नाव के साथ वो खत्म किए जाएगी। उसके सिर पर लगता था वही मर जाएगी। अगर आप हिंदुस्तान का एक टुकड़ा निकोबार आइलैंड्स है अंडमान के पास अगर जाएंगे, वहां निकोबारी लोगों को देखेंगे जो इंडोनेशिया लोगों के साथ मिलता जुलता है। पहले दिनों में एक रानी अचानक कुंवारी थी लेकिन गर्भवती हुई और उसको दंड देना था, एक ठोंगा में रखे उसको विदा कर दिए थे। वो रानी वहां से निकोबार आइलैंड में आके पड़ गई, वहीं उतरी, वहां बच्चा जन्म दी और उस बच्चा के साथ फिर अपने संतान को पैदा की। उसी को निकोबारियन आज भी कहते हैं। मां और बेटा के बीच में जो संतान पैदा हुआ था उसको निकोबारी कहते हैं आज। भाई भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीका का मृत्यु दंड दिया जाता था। हिंदुस्तान में रस्सी में टांग देते थे जो आज भी हमारा देश में उपलब्ध है। लेकिन क्यों प्रभु यीशु को क्रूस पर डाला गया है? यहूदी धर्म के अनुसार उनको पथरवा करके मारना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया है। रोमियों के हिसाब किताब के अनुसार बुक के सिंहों के सामने उसको डालना चाहिए था, उसको फाड़ के वो खा सके, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। फिर क्यों 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 भैया यीशु को क्रूस पर डाला गया है? क्या क्रूस की मृत्यु यीशु के लिए उचित था? क्या क्रूस की मृत्यु उसके सहने से आपके लिए मेरे लिए क्या काम है? अगर यीशु अपने लोगों को पापों से छुड़ाने वाला है, क्या दूसरे तरीके का मृत्यु नहीं है? कई प्रकार का प्रश्न आप उठा सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं इन सारी बातों को उत्तर देने के लिए चाहता हूं। बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा गलतियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका 13वां पद को पढ़िएगा। गलतियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय को 13वां पद को पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित, सुनिए, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटका जाएगा वह श्रापित है। भाई बहन, आप आपके परिवार, आपके बच्चे, मैं, मेरे परिवार, हम लोग सब श्रापित हो चुके थे। परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के कामों के अनुसार, परमेश्वर के कानून के अनुसार, परमेश्वर के विधि व्यवस्था के अनुसार आप और हम श्रापित हो चुके थे। लेकिन आपके ऊपर के श्राप को मिटाने के लिए, आपके परिवार के ऊपर का श्राप को मिटाने के लिए, आपके जीवन में कार्य करने वाला श्राप को मिटाने के लिए मेरा प्रभु को क्रूस का दंड अपनाना पड़ा। क्योंकि लिखा है जो काट पर डाला जाएगा वो श्रापित है। मसीह आपके लिए मेरे लिए श्रापित बना ताकि आपके ऊपर का श्राप मेरे ऊपर का श्राप खत्म किया जाए। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप पूछेंगे भैया हमारे पर श्राप, मेरे पर क्यों श्राप है, क्यों मेरे ऊपर श्राप है, थोड़ा अच्छा से समझाइए करके आप कहते होंगे। मैं आपको बतलाने के चाहता हूं, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कई प्रकार के लोगों के ऊपर, कई परिवार अभी श्राप के आदि में होने के चलते बीमारियां, दुख, तकलीफ, फूट,
झगड़ा, लड़ाई, अशांति, दर्द्रता, ये सारी बातें पाई जाती हैं। भाई मैं थोड़ा समझाने के लिए चाहता हूं, मेहरबानी से कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको धमकी देने के लिए नहीं आया, डराने के लिए नहीं आया। आप इस बात को समझेंगे तो आप चिल्लाएंगे यीशु ही मुझे चाहिए, आप कहेंगे यीशु कुछ बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है श्राप मनुष्य के जीवन में कैसा आता है। समझाने के लिए मैं एक बात को करके आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। श्राप को शायद आज आप नहीं जानते होंगे, जो आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके गांव में, आपके गली में, आपके शहर में, हमारे देश में कार्य करता है, इसको हम नहीं पहचानते होंगे। इसको समझने के लिए मैं अपने जीवन से एक बात को कहने के लिए चाहता हूं। जब मैं छोटा था, मेरे घर में मैंने एक बात को देखा, कभी भी कोई मंगलमय बात आएगा, किसी की शादी, किसी के जन्मदिन, या यीशु मसीह के जन्मदिन के क्रिसमस, या कोई अच्छी बातें जो खुशी दिलाने की बातें जो हमारे परिवार में आएगा, उसी दिन मेरी मां को एकदम फिक्स आ जाता था, एकदम मिर्गी जैसा वो उसको फिट्स आ जाता था, उसके मुंह से फोम निकलता था, और 3 दिन तक मेरी मां जो है बेहोश रहती थी। जब मैं छोटा था मतलब ख्याल नहीं किया, लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ मुझे बहुत दुख लगने लगा, क्यों मेरी मां इतनी परेशान हो रही है। ना केवल मां के लिए परेशान, मैं अपने लिए भी रोने लगा, ना तो किसी के जन्मदिन नहीं मना सक रहे हैं, ना तो क्रिसमस मना सक रहे हैं, ना तो कोई अच्छे दिन को मनाने सकते हैं, ना तो किसी के शादी में नहीं जा सक रहे हैं, अगर किसी के शादी के घर में जाएंगे जरूर मेरी मां बीमार होगी, इसके चलते हम लोग रोते रहेंगे, मेरी मां की तबीयत से मेरे पिताजी परेशान थे, मेरे परिवार परेशान थे। मैं सोचता था, लेकिन मुझे करने के लिए मुझे मालूम नहीं क्या करना है। जरूर कई डॉक्टर लोगों ने देखा मां के अंदर कुछ खराबी नहीं है, लेकिन किसी के शादी में इस प्रकार की बातें आ जाती थी। प्यारों, जब मैं बड़ा होने लगा, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बाइबल को अध्ययन करने लगा, बाइबल को देखने लगा, मुझे मालूम हुआ मेरे परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि न केवल मेरी मां परेशान थी, मेरे 2 बहन थी छोटी, वे लोग भी ऐसे ही होने लगे। मेरे मामू लोग 2 जन को उसी प्रकार होने लगा। जब मैं दौड़ के अपनी मां के पास जाके पूछा, मां बताइए क्या ये और लोगों को भी कुछ था, मेरी मां कहने लगी तुम्हारे दादा नाना का भी ऐसे ही था। मैंने समझा नाना, मां, मामू लोग, मेरे बहन, पीढ़ी 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 से एक श्राप चले आ रहा हमारे परिवार में। जब मैंने देखा कि प्रभु मेरा परमेश्वर के वचन में लिखा यीशु तू काट पर चढ़ जाने के चलते मेरे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया, क्यों मेरा परिवार परेशान है, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। प्रभु ने मुझे कुछ बातों को बतलाने के चलते मैंने अपने परिवार के निकट कुटुंबियों को बुलाया, मां के तरफ से, बाप के तरफ से लगभग 80 लोगों को मैंने एक छोटा सा हाल में इकट्ठा करके उनको समझाया परमेश्वर के वचन के अंतर्गत में ये लिखा है श्राप पीढ़ी पीढ़ी होके चले आ सकता है, जिसके कब्जे में हमारा परिवार है, जिसके जाल में हम फंसे हुए हैं, हमें इसमें बचना है। उन्होंने पूछा कैसा हमारे परिवार में श्राप आया, मैंने परमेश्वर के वचन को दिखाया, जिसको मैं आज आपको दिखाने के लिए चाहता हूं, आज आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। मैंने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग उपवास करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे,
अपने पापों का अंगीकार करेंगे, अपने पूर्वजों के पापों का अंगीकार करेंगे जो जाने में अनजाने में उन्होंने किया था। आप पूछेंगे किस प्रकार का वचन को आपने पढ़ा भैया, हमें बताइए, क्योंकि हमारा परिवार में भी श्राप है, हमारा परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, हमारा परिवार में भी कर्जा 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 कर्जा, हमारा परिवार में भी अशांति अशांति अशांति, हमारा परिवार में भी कितना पैसा आता पता नहीं चलता कहां चले जाता है, हमारे परिवार में भी कुछ ना कुछ होते रहता है, न केवल हमारे हमारे दादा हमारे परदादा उनके परिवार में भी जो पाया जाता था अभी हमारे जीवन में भी पाया जाता था। शायद आप भी परेशान होंगे अगर आप अच्छी तरह से सोचेंगे, लेकिन मैं आज आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने प्रार्थना के रूप में प्रभु के पास आया, गिड़गिड़ाया, मेरे पिताजी अपने बाप के कुछ बातों को मुझे सुनाने लगे। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मेरा पिताजी का पिताजी अर्थात मेरा दादा एक पुजारी थे, लंबे बाल रखते थे, वो एक कुर्सी पर बैठने से उनका बाल जमीन को छूता था, एक बहुत बड़ा बीज पुजारी थे। उनके गांव में किसी यीशु मसीह का प्रचारक जब गया, ये जाके थप्पड़ लगा के बोलने लगे, एक मसीह कुत्ता यहां क्यों आया है। वो आदमी वहीं घुटना पर टेक के प्रार्थना किया उनके लिए, और दो हफ्ता के बाद मेरा दादा पागल हो गए। दो साल तक पागल रहे, दो साल तक पागलापन में घूमते रहे, कई दवाई दारू मंत्र तंत्र करने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। एक दिन एक पेड़ के तले बैठ के अपने गा रहे थे कुछ, तो मेरा यीशु जो पापियों से प्यार करता है उसे घृणा करने वाला कभी गले लगाने वाला प्रभु मेरे दादा के सामने साक्षात दिखाई पड़ा और उनको छू के कहने लगा, तुम मुझसे घृणा करते हो पर मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमको मैं ठीक करता हूं। मेरा दादा उसी दिन चंगे हुए हैं, अपने नाम को पदरी परिवर्तित किए हैं, उसके गांव का परिवर्तित किए, उसके गांव का नाम आज यरूशलेम माना जाता है। मेरा प्रभु ने उनको चंगा किया, परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा हो गई। लेकिन उस दास के पास जाके उन्होंने माफी नहीं मांगा, जरूर मसीह में था। इस प्रकार की बातों का मेरे पिताजी मान के रोने लगे, मैं तो अपना दादा को देखा नहीं। वैसे ही मेरे नाना एक हेडमास्टर थे, हेडमास्टर मतलब उन दिनों में गांव में कोई उतना पढ़ा नहीं था, इसलिए उनके अंदर घमंड, उस घमंड के चलते और लोगों को बैठा के शराब पिलाने वाले थे, क्योंकि पैसा का घमंड औरों को भी बर्बाद करते थे। मेरी मां मेरे नाना के पापों को कह के रो के चिल्लाने लगी, अपने अपने पापों को हम लोग मान लिए, हम प्रभु से माफी मांगे, वही हमारा छुटकारा कारण हुआ। मैं आज आपको बतलाने की चाहता हूं प्यारो, अगर आपके व्यक्तिगत रूप में पाप श्राप में आप पड़े हैं, आपको व्यक्तिगत रूप में यीशु के पास आना होगा। अगर आपके परिवार में श्राप है, आपके परिवार के रूप में यीशु के पास आना ही होगा। अगर आपके गांव में श्राप है, अगर आपके देश में श्राप है, आपको गांव के रूप में देश के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि वही हमारे लिए श्रापित होके क्रूस पर मर रहा। अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरता शायद हम श्राप में रहते, क्योंकि बाइबल बतलाती है श्राप कहां से आता है। मैं आपको कुछ बातों को आज बतलाने के लिए चाहता हूं, शायद आने वाले दिनों में भी कुछ और प्रकाश आपको देने के लिए चाहूंगा। मेरा बाइबल बतलाती है, क्योंकि हमने कहा व्यवस्था के चलते श्राप हमारे पर बनी हुई थी। व्यवस्था में क्या लिखा है पढ़िए, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 15 पद से लेकर हम आखिरी तक अगर पढ़ेंगे, कई बातें वहां पर हैं, लेकिन सब बातों को हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक दो बात को मैं जरूर आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल जो व्यवस्था के रूप में परमेश्वर ने लोगों को दिया था, उसी का वचन को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15 पद से लेकर पढ़िएगा। परंतु यदि तू यदि तू
अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, अपने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं सुने और उसकी सारी आज्ञाओं, उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में, विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, चौकसी नहीं करेगा, चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। ये सारी श्राप जिसको परमेश्वर अपने वचन में लिखा है तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। कौन सा है भाई, पढ़िएगा आगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। सुनिएगा भैया, तुम क्यों श्रापित रहना है? शहर में श्रापित, खेत में श्रापित। और आगे 27 पद को पढ़िएगा। 27 22 को पढ़िए, पहले 22 पढ़िएगा, फिर 24 पढ़िएगा, फिर 27 पढ़िएगा, क्योंकि मैं सबको पढ़ के समझाने के लिए समय नहीं है। यहोवा तुझको क्षय रोग से, यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर, ज्वर और दाह और बड़ी जलन से, बड़ी जलन से और तलवार, तलवार और झुलस, झुलस और गेरुई से मारेगा, मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे। उस समय तक ये बीमारी तेरा पीछा किया जाएगा जब तक तू सत्यनाश ना हो जाए। भाई आज किस प्रकार की भयानक बीमारियां जो लोगों को सता रहा है, जो लोगों को एकदम सत्यनाश कर रहा है। क्यों इतनी इतनी दवाइयां हैं, इतनी इतनी डॉक्टर लगे हुए हैं, इतनी इतनी मेडिकल साइंस की जानकारी बढ़ गई है, इतनी इतनी इंस्ट्रूमेंट्स आ चुका है, इतने इतना साधन हो चुका है, लेकिन एक एक दिन नए नए बीमारी लोगों को सत्यनाश करने समय तक चले आता है। श्राप, श्राप। पढ़िए 24 का। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू, पानी के बदले बालू और धूली बरसाएगा, धूल ही बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी, यहां तक तुझ पर बरसेगी कि तू सत्यनाश हो जाएगा। गरीबी, पानी नहीं, धूल ही धूल, पानी की जगह पर धूल। आगे 27। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा। भैया आज यहां लिखी हुई सारी बातों का अगर पढ़ेंगे आप थरथराएंगे, कांपेंगे। कई प्रकार की खुजलियां, कई प्रकार की जलन, कई प्रकार की फोड़ाएं। मैं फिर कहने के चाहता हूं आपको डराने के लिए मैं नहीं आया, लेकिन भाई मिल साफ तौर से सत्य को बतला के आपके आपको प्रभु अपने पास खींचने के लिए, इन वचनों को बोलने के लिए मुझे प्रेरणा करता है। भाई बहन आज आप कई बातों से पीड़ित हैं, कुछ और बातों को भी मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा 38 पद को पढ़िएगा। तू खेत में, खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, उपज थोड़ी ही बटोरेगा क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। 59 पद। तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे, नहीं केवल तुझको, तेरा वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। भाई आगे भी और वह 66 से लेकर, और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा, तुम्हारा अपने जीवन के नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा, दिन रात थरथराता रहेगा, तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा, तेरा जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं रहेगा। आगे
तेरे मन में जो भय बना रहेगा, तेरे मन में भय बना रहेगा, तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, जो कुछ तेरे आंखों में दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा, उसके कारण तुम भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा, सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगा, भोर कब होगा। आगे, और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा। सुनिए भैया, भाई आज आप परेशानी के साथ यहां बैठे होंगे, कई प्रकार के श्राप आपके ऊपर आपके पड़ा होगा, कई प्रकार की बातें उलझनों में आप फंस के आए होंगे, लेकिन पता नहीं चलता क्यों। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी विधियों पर नहीं चलोगे, मेरे व्यवस्था का नहीं मानोगे, जब मेरी बातों पर नहीं चलोगे, इन सारी बातें तुम्हारे पर आ पड़ेगा। आप अगर अपने कंदान की पीछे की पन्ना को पलटेंगे, कंदान 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 इस प्रकार की बातें में होंगे, शायद बीते महीना मैं ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में एक मां अपने बेटी को ले आई और कहने लगी, भैया इनके लिए प्रार्थना कीजिए, भैया इनके लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी 7 बार उसको गर्भ गिर गया है, 7 बार उसका बच्चा जन्मने के समय में गिर जाता है, खत्म हो जाता है, परेशान है। मैंने उसको देखा, मैंने पूछा आप अपनी कहानी बतलाइए, वो कहने लगी हमारा भी वैसे ही होता था, 5-5 बच्चे खराब हो जाते थे, फिर 7 साल तक कोई बच्चा नहीं रहा, आखिरी में ये बच्चा हुआ और इसका भी यही हालत। मैंने पूछा आपकी माँ का, वो कहने लगी मेरी माँ भी ऐसे ही कहती थी, 3-3 बच्चा खराब होने के बाद मेरा पैदाइश हुआ और उसके बाद भी 3-4 बच्चे खराब हुए थे। मैंने कहा कि आपके पीढ़ी पीढ़ी में चले आ रहा है इस प्रकार का श्राप, क्या आप छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं? वो चलने लगी, हाँ हाँ भैया मैं जरूर जरूर श्राप से अलग होने के लिए चाहती हूं। मैंने उनको बैठा के इस वचन इन वचनों का दिखाया, हमारे वास्ते यीशु क्रूस पर घाट पर मरने के चलते किसी दूसरे तरीका से वो मरा नहीं, आपके लिए मेरे लिए श्रापित हो गया, एकदम बिल्कुल आकाश और पृथ्वी के बीच में लटकाया गया, एक ही कारण आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके कंदानों के ऊपर का रहने वाला श्राप से आपको छुड़ाए। और रोने लगी, और कहने लगी कैसा भी हमारे ऊपर का श्राप को हटने के लिए कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा अगर आपके नाम पर 5 लाख रुपया कोई बैंक में डाल देता है और कहता है आपके नाम पर 5 लाख रुपया बैंक में डाल दिए, आप तो चिल्लाएंगे हाँ हाँ 5 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपया हो गया, मेरा 5 लाख रुपया हो गया, लेकिन उससे कोई काम का नहीं है। अगर उसके ऊपर आप गीत बना के गाएंगे कोई काम का नहीं होगा, आप फटे कपड़ा फटे जूते पहन के घूमेंगे, लोग कहेंगे देखो पागल आदमी बैंक में 5 लाख रुपया है लेकिन ये फटा कमड़ा कपड़ा पहन के फटा जूता पहन के घूम रहा है। आपको एक काम करना पड़ा, बैंक में जाना पड़ेगा और अपना नाम में जो है उसको लेना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे ही मेरा यीशु क्रूस पर आपके लिए कमा कर रख चुका है, अगर आप उसके पास आके कहिएगा प्रभु मुझे चाहिए तो आपका होगा। तो वो उस दिन चिल्ला के प्रार्थना की, जब मैं इस बीते बार तो ऐसे आई थी, इस बार मैं गया, उसकी बेटी हाथ में एक सुंदर लड़का आके कहने लगी भैया मेरा परिवार में आशीष लौट आया है, मेरा परिवार का श्राप हट गया है, मेरा बेटी अभी एक बेटा का रखी है। थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो किसी को टुकराता नहीं, किसी को निकालता नहीं, जो उसके पास तोड़ के आते हैं उसके जीवन से श्राप को हटा देता है। मनुष्य ने पाप किया,
पाप मनुष्य के जीवन में श्राप को लाया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह नहीं रही कि मनुष्य श्रापित रहे, मनुष्य श्राप को पीढ़ी पीढ़ी तक सहते रहे। इसलिए श्रापित किया हुआ पृथ्वी का एक लक्षण है कांटी, उस कांटी का मुकुट भी यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया, और उस कांटी के मुकुट में से जो बहता है खून, वह आपके पापों को, आपके श्रापों को हटाने का ताकत रखता है, अगर आप दिल से ये कहेंगे। इसीलिए मेरा यीशु के बारे में कहा, वो अपने लोगों के पापों से उनको उद्धार करेगा। इसलिए मेरा धर्मशास्त्र बाइबल प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आपको और मेरा उद्धार हो। बाय बाय। आज संध्या के समय हमारी हार्दिक इच्छा यह है, आप में से कोई भी श्राप के अधीन में नहीं होना। कई परिवार, इस इलाका का परिवार के ऊपर श्राप है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था मुझे दिखाई पड़ा, मैं इसलिए आके हिम्मत के साथ कहता हूं, आप जाने अनजाने में श्राप के जाल में फंसे हुए हैं, और आज एक ही हल है। शायद आप मसीह को जानते होंगे, मसीह के नाम लेके गाते होंगे, लेकिन मसीह का कमा के रखा हुआ उस बात को अपनाए नहीं होंगे। आज अगर आप कहेंगे, यीशु मेरे कारण तू क्रूस पर मरा गया, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, पाप ने श्राप को लाया, श्राप ने बीमारी को लाया, आपको दबा रहा है, सता रहा है, अगर आज आप उस पाप से मन फिराने के लिए, उस श्राप से छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं, आपके पास कुंजी है, आपके पास कुंजी है, आपके पास कुंजी है। अगर आप चिल्ला के कहेंगे, हे प्रभु मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं, जैसा मैंने मेरे परिवार के ऊपर के श्राप को पहचाना, जो मेरी माँ, मेरे बहन, मेरे मामू लोग, मेरे नाना परेशान होते थे, सब लोग अपने पापों को अंगीकार करके रोया, विलाप किया, उपवास करके प्रभु से विनती की, अपने को नम्र और दीन करके कहा, प्रभु क्षमा कीजिए। आज 31 साल हो चुका है, मेरी माँ का उम्र अभी 82 हो चुका है, 51 उम्र तक मेरी माँ परेशान थी, लेकिन आज 31 साल में मेरी माँ को भी, मेरे बहन को भी, मेरी मामुओं को भी एक बार भी उमरी की बीमारी नहीं आई है, प्रभु ने उनका चंगा किया। हालेलुया। आज प्रभु आपका आजाद करने के लिए चाहता है, आपके बच्चों का आजाद करने के लिए चाहता है, आपके परिवार को आजाद करने के लिए चाहता है, अगर आप चाहेंगे। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, यिर्मयाह का 48 अध्याय का 10वां पद में यो लिखा, पढ़िएगा, यिर्मयाह नबी की किताब 48 अध्याय का 10वां पद में यो लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 48 अध्याय का 10वां पद, श्रापित है वह, श्रापित है जो जो यहोवा का काम आलस्य से करता, परमेश्वर का काम आलस्य करता। आप शायद परमेश्वर का काम करने वाला भी होंगे, परंतु बहुत आलसीपन के साथ, अब आशीष की जगह पर अब श्राप को कमाते होंगे। मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं, यहां कुछ स्वयवत भाई बहन हैं जो डीला डाला में चल रहा है, चल रहा करके सेवा, आप न केवल अपने लिए परंतु अपने परिवार के लिए भी श्रापित बातों को कमा कर रख रहे हैं, लेकिन आज, आज यीशु आपको अपने पास बुला रहा है, यीशु आपको आजाद करने के लिए चाहता है, आपकी परेशानी कुछ भी क्यों हो, यीशु के पास आए, पाप से मन फिराने के लिए अपने को पूरी तरह से सौंपें, उसके मार्गों पर चलने के लिए अपने को सौंपें, यीशु आपके ऊपर रहम करेगा, आपको प्यार देगा, आपके परिवार की शराब को हटा के आपको आजाद करेगा।